भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गौ सेवायोग की पांचवी बैठक पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई, जिसमें प्रदेश में 2 स्मार्ट गौशाला बनाने का निर्णय हुआ है, जिनमें 3,000 गायों को रखने की कैपेसिटी होगी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में 2 स्मार्ट गौशाला बनाई जाएगी, जिसमें गौशाला में 3,000 गायों को रखा जाएगा। वहीं हर जिले के अंदर एनिमल लिफ्टर रखी जाएंगे, जो दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को गौशाला तक पहुंचाएगा। हमने ये तय किया था कि गौवंश के लिए बड़ी गौ सेंचुरीज बनेंगी, काफी जिलों के अंदर जो है वो बनकर के तैयार हो गई हैं। उसका संचालन जो है वो विधिवत रूप से अब हमको करना है, और उसके लिए जो आज ये तय हुआ है, 2 बड़ी गौ स्मार्ट गौशालाएं देश के अंदर बनेगी, जो प्रथम चरण में उनके साथ जो है वो हमारा MOU हुआ है। वो एक गौशाला के अंदर 3,000 गौवंश जो है वो रखेंगे। उसमें हमने एक और अनुमति दी है कि वो भारतीय मूल का गौवंश 20% दुधारू भी जो है वो रख सकेंगे। वो पूरी तरह से एक कमर्शियल मॉडल के ऊपर जो है वो उसको चलाएंगे, और धीरे धीरे अगर ये प्रयोग हमारा सफल रहता है तो हम जो दूसरी गौशाला है उसके भी इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो MOU करेंगे। तीसरा, यहाँ एक और आया कि एक एनिमल लिफ्टर्स हर जिला के अंदर जो है वो होना चाहिए। कई बार कई गाय जो है वो ढांक से गिर जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसा विभाग के पास नहीं है, तो उस पर भी हमने इस पर सहमति जताई है कि ये एनिमल लिफ्टर्स जो है बड़ी जल्दी हम गौशालाओं को जो है वो प्रोवाइड जो है वो करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप धर्मशाला में 22 नवंबर से 27 नवंबर को चिकित्सा डायग्नोस्टिक केयर ऑपोजिट वॉर मेमोरियल धर्मशाला, जहाँ मिलेगी चिकित्सा उपचार के साथ ECG, TMT, होल्टर, इको, लेबोरेटरी व फार्मेसी की सुविधा। अगर आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन या श्वास रोगों से पीड़ित हैं, तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा। रजिस्ट्रेशन व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988910010 या फिर 8988950505।